Hello everyone. Today I am going to tell you about diffusionism. What is cultural diffusion? Cultural diffusion is the process by which cultural traits discovered or invented at one place or society are spread directly or indirectly to other places or societies. Factors influential in process of diffusion are relation and communication, need and desire for new traits, competition with old traits and their opposition, respect of those who bring new traits. Conditions and characteristics of diffusion. Only meaningful and useful traits of one group are adopted by other group. Diffusion is always from high to low culture, or we can say it is from developed to underdeveloped culture. Cultural traits change from their original form. Obstacles in cultural diffusion are lack of transport, ocean, river, mountain and desert. So cultural diffusion kya hai? Cultural diffusion ek process hai jiske dwara kisi bhi ek place par, kahi bhi, matlab kisi ek sthan par agar koi trait discovered hota hai, koi bhi cultural traits discovered hote hain, unki invention hota hai, तो वो सभी जगह फैल जाते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अदर सोसाइटीज एंड अदर प्लेसेस, वो पहुंच जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. तो डिफ्यूजन हमेशा हाई कल्चर से लो कल्चर की तरफ होता है, मीन्स डेवलप से अंडर डेवलप की तरफ या पुअरली डेवलप कल्चर की तरफ होता है, मीन्स जहाँ पर सबसे पहले इन्वेंशन हुए या डिस्कवरी हुई वहाँ से दूसरे प्लेसेस की तरफ हमेशा जो डिफ्यूजन होता है ट्रेड्स का उसी को हम कल्चरल डिफ्यूजन कहते हैं. इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दीज आर रिलेशन एंड कम्युनिकेशन. रिलेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है, और मीन्स जब हम दूसरी सोसाइटीज़ के कम्युनिकेशन में कॉन्टैक्ट में आते हैं या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन माध्यमों से हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे भी डिफ्यूजन होता है, कल्चरल ट्रेड्स का आदान प्रदान होता है फ्रॉम हाई टू लो. एंड नीड एंड डिजायर फॉर न्यू ट्रेड्स इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मीन्स जो ओल्ड ट्रेड्स हैं उनसे उनको अपोज करके और या उनसे कंपटीशन, मीन्स ओल्ड ट्रेड्स को खत्म करके हम नए ट्रेड्स को जब चाहते हैं कि हमारे कल्चर में कुछ नए ट्रेड्स आ जाएं, तो क्योंकि कल्चर लगातार चेंजिंग हो, मीन्स मतलब ग्रेजुअली चेंज होता रहता है लगातार, और इसमें नए ट्रेड्स हम लगातार डेवलप करते रहते हैं, तो यहाँ पर कल्चर का मीन्स उसी कल्चर में डेवलपमेंट नहीं, दूसरे कल्चर से बोरो किया जाता है ट्रेड्स को. तो ये जो नीड एंड डिजायर फॉर न्यू ट्रेड्स है उसकी वजह से भी डिफ्यूजन होता है. एंड कंपटीशन विद ओल्ड ट्रेड्स एंड देयर अपोजिशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ दोज हु ब्रिंग न्यू ट्रेड्स, और जो ट्रेड्स को लाते हैं नए ट्रेड्स को आपके कल्चर में उनका रेस्पेक्ट. तो ये दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड देयर आर सम कंडीशंस विद एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन. दीज आर Only meaningful and useful traits are adopted. Means जब भी किसी दूसरे ग्रुप के हमको ट्रेड्स लेने होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो हमारे कल्चर के लिए यूजफुल ट्रेड्स होंगे, मीनिंगफुल ट्रेड्स होंगे, उन्हीं को हम अडॉप्ट करते हैं, बाकी अदर ट्रेड्स को नहीं अडॉप्ट करते हैं. और डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो, मीन्स डेवलप टू अंडर डेवलप, एंड कल्चर ट्रेड्स चेंजेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म. तो जिस फॉर्म में हम ट्रेड्स को लेते हैं, बोरो करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में रह जाए, क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी या हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उस चीज उसको उसके दूसरे फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं, तो कल्चर चेंज मीन्स जो ट्रेड्स होते हैं उसमें चेंज आ जाता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में. एंड देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स, कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं डिफ्यूजन के केस में, और उसमें लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल होता है. मीन्स अगर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो डिफ्यूजन ईजिली हो जाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हमें कमी रहेगी तो जो है ये एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है और दो कल्चर्स या दो सोसाइटीज के बीच में डिफ्यूजन होने में रुकावट पैदा करता है. इसी तरह ओशियन, रिवर, जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं वो भी ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें दिक्कतें होती हैं इनकी वजह से. तो इस तरह ओशियन, रिवर और माउंटेन और डेजर्ट भी ऑब्स्टिकल का काम करते हैं इन कल्चरल डिफ्यूजन. Then here is the difference between the cultural evolution and cultural diffusion, because cultural evolution
इवोल्यूशनरी थ्योरी हमने पढ़ी थी, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज जो ग्रेजुअल चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कल्चरल इवोल्यूशन. एंड कल्चरल डिफ्यूजन इज मीन्स स्प्रेड ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब यूजफुल ट्रेड्स की हमें जरूरत होती है, डिजायर होता है, देन वी बोरो सम ट्रेड्स फ्रॉम द अदर सोसाइटी और द अदर कल्चर विद हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर मीडियम्स. सो ये कल्चरल डिफ्यूजन होता है. तो इस तरह यहाँ पर डिफरेंस देखना है. फर्स्ट डिफरेंस है पैरेलल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. मीन्स कल्चरल इवोल्यूशन के केस में इन्वेंशन किसी एक प्लेस पर ना होकर कई जगहों पर एक साथ इन्वेंशन हुए, पैरेलल इन्वेंशन हुए, और जो थ्रू आउट वर्ल्ड मीन्स हर जगह हुए. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ड्यू टू साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. मीन्स मैनकाइंड जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे थिंक एंड बिहेव इन द सेम वे, दैट इज वाई पैरेलल इन्वेंशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. But the theory of cultural diffusion says that important inventions were made only once at a particular place from where they spread to the rest of the world through the diffusion. तो cultural diffusion कहता है कि नहीं, parallel inventions नहीं हुए, important inventions कुछ कुछ ही जगहों में हुए और वहां से वो दूसरी जगहों में फैल गए. वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू फैले, मीन्स कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट के थ्रू या ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू या माइग्रेशन करने के द्वारा, ट्रैवल करने के दौरान तमाम कल्चर ट्रेड्स डिफ्यूज हो गए फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर. कल्चर इवोल्यूशन इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम लो टू हाई. मीन्स जो लोअर स्टेजेस है वो डेवलप करती हैं हायर स्टेजेस की तरफ. तो इसमें क्या होता है कि जो लो स्टेजेस है मीन सेवेजरी से बारबरिज्म एंड सिविलाइजेशन, तो लो टू हाई डेवलपमेंट होता है. बट कल्चरल डिफ्यूजन में हियर द ट्रेड्स आर डिफ्यूज फ्रॉम हाई कल्चर टू लो कल्चर. इसी तरह कल्चरल इवोल्यूशन में स्टेज आफ्टर स्टेज डेवलपमेंट होता है इन सिंगल लाइन और मल्टी लाइन. बट इन केस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन इट्स नॉट ग्रेजुअल सिक्वेंशियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन और मोर सेंटर्स टू अदर प्लेसेस इन ऑल डायरेक्शंस. तो बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं कल्चरल सेंटर्स, और जहाँ से विभिन्न डायरेक्शंस में जो है ये कल्चर का डिफ्यूजन होता है. कल्चरल इवोल्यूशन इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्रा ग्रुप होता है. मीन्स विद इन द ग्रुप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज डेवलपमेंट्स होते हैं कल्चर में, या विद इन द स्पीशीज होता है. जबकि कल्चरल डिफ्यूजन बिटवीन टू ग्रुप्स और बिटवीन टू स्पीशीज होता है. इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट ओनली, द कल्चरल इवोल्यूशन इज ओनली इफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट. बट मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम नए मीन्स अडॉप्ट करते हैं, कुछ नए ट्रेड्स हमारे डेवलप होते हैं और एक नई स्पीशीज का जन्म होता है. बल्कि जबकि कल्चरल डिफ्यूजन के केस में कम्युनिकेशन, रिलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं. मीन्स इनके द्वारा ही कल्चरल डिफ्यूजन होता है और ये मीन्स इफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को. सिमिलरिटीज आर ड्यू टू साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू कल्चरल इवोल्यूशन थ्योरी. जो मीन्स मैन बिहेव इन थिंक बिहेव एंड थिंक इन द सिमिलर वे, दैट इज वाई देर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द टू ग्रुप्स और टू कल्चर्स. बट अकॉर्डिंग टू कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी द सिमिलरिटीज आर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड्स और ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर. एंड कल्चरल रिलेशन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड, जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं नए कैरेक्टर्स, तो ये प्रोग्रेसिव होता है. एंड जैसा कि कल्चरल रिलेशन ने बताया था कि फ्रॉम सेवेजरी थ्रू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, तो लगातार जो ह्यूमन में लगातार चेंजेस होते गए और सेवेज स्टेज से सिविलाइज स्टेज की तरफ ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट हुआ. पर जबकि कल्चरल डिफ्यूजन थ्योरी कहती है कि कल्चर नॉट ओनली प्रोग्रेसिव बट ऑल्सो डिजेनरेट्स और डिसअपीयर्स. तो इनका कहना है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें तमाम ऐसे नए ट्रेड्स जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं या बोरो करते हैं, और जो ओल्ड ट्रेड्स होते हैं वो डिसअपीयर कर जाते हैं या डिजेनरेट कर जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं. स्कूल ऑफ डिफ्यूजन इज क्लासिफाइड इंटू थ्री ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी. ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन एंड अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट विच बिलोंग टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन आर स्मिथ, पेरी एंड रिवर्स. एंड इन जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन रैटजेल, ग्रैबनर एंड स्मिथ. और अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन में है फ्रेंच बुआस, क्लार्क विस्लर एंड ए एल क्रोबर. ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन,
also known as Pan-Egyptian School. Elliot Smith was the founder and James Perry was his follower. Both Smith and Perry were designated as extreme diffusionists or Pan-Egyptologists or Egyptologists because for them, Egypt was the only center of culture or the cradle of culture from trades diffused to rest part of the world. They were late to come but first to disappear. The British School of Diffusion was very late to come but first to disappear and was very much criticized for their extreme diffusionist view. तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन को हम पैन इजिप्शियन स्कूल भी कहते हैं जिसके फाउंडर थे एलियट स्मिथ और जेम्स पेरी उनके फॉलोवर थे स्मिथ के और दोनों ने माना कि जो इजिप्ट वाज द ओनली सेंटर ऑफ कल्चर मींस उन्होंने इजिप्ट को ही ओनली क्रैडल ऑफ कल्चर सेंटर ऑफ कल्चर माना जहां से जहां पर सारे इन्वेंशंस इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस या डिस्कवरीज उनके अकॉर्डिंग इजिप्ट में हुई और वो बाकी देशों में मींस पूरे विश्व में फैली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन कल्चरल डिफ्यूजन वो इजिप्ट से ही पूरे विश्व में कल्चरल ट्रेड्स डिफ्यूज हुए ऐसा मानना था स्मिथ एंड पेरी का एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट और पैन इजिप्टोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट बिकॉज फॉर देम इजिप्ट वॉज द ओनली सेंटर ऑफ कल्चर जी ई स्मिथ हिज बुक्स आर द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर He was founder of British Diffusion School. He studied similarities between different monuments and he concluded that English monument, megalith Stonehenge, Maya pyramids, Japanese pagodas, Cambodian and Balinese temples, American Indian burial mounds are mere imitations of Egyptian pagodas and mastabs. Cultural dates from Egypt spread to whole world around 400 BC onward. तो जैसा कि वो इजिप्टोलॉजिस्ट थे या डिफ्यूजनिस्ट थे एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट थे तो उन्होंने माना कि सारे ट्रेड जो हैं वो इजिप्ट से ही दुनिया के विभिन्न देशों में स्प्रेड हुए हैं विद द प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और उन्होंने इंग्लिश कुछ तमाम डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज मॉन्यूमेंट्स लाइक मेगालिथ स्टोन है जो इंग्लैंड की थी या माया पिरामिड जैपनीज पैगोडास कंबोडियन एंड बैलिस टेम्पल्स अमेरिकन इंडियन ब्यूरल माउंट्स ये सभी में इजिप्शियन पैगोडास की तरह ही स्ट्रक्चर्स सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने माना कि दीज आर द इमिटेशन ऑफ द इजिप्शियन पैगोडास एंड मास्टेप्स और इजिप्शियन पैगोडास की ही नकल की गई है और ये सारे मॉन्यूमेंट्स में और स्प्रेड जो इजिप्ट से जो कल्चरल ट्रेड स्प्रेड हुए हैं वो 400 बीसी ऑनवर्ड जो है स्प्रेड हुए होल वर्ल्ड में ऐसा मानना था जी स्मिथ का एंड इन हिज फर्स्ट बुक ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन ही व्यूड दैट इजिप्ट इज द ओनली सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इज द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इजिप्ट एंड स्प्रेड थ्रू ऑल द वर्ल्ड जो है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो वेयर ऑल इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस टेक्स प्लेस लाइक ओरिजिन ऑफ लॉ रिलीजन सन गॉड वर्शिप एग्रीकल्चर एंड इट स्प्रेड टू रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस या डिस्कवरीज इजिप्ट में वही हुई सारे इंस्टीट्यूशंस वहीं पर डेवलप हुए विभिन्न प्रकार के कल्चर ट्रेड्स और सोसाइटीज का डेवलपमेंट वहीं हुआ और वहां से दुनिया के अलग देशों में जो है वो फैला ऐसा मानना था स्मिथ का एंड इन हिज सेकंड बुक डिफ्यूजन ऑफ कल्चर ही एक्सप्लेन्ड दैट कल्चर ट्रेड्स वर डिफ्यूज फ्रॉम इजिप्ट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज मैन वाज बेसिकली अनइन्वेंटिव एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड ऑल इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस टेक प्लेस फर्स्ट एट इजिप्ट एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन और माइग्रेशन तो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन और माइग्रेशन के द्वारा ही जो जो ट्रेड्स थे कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम इजिप्ट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हुए जब डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कॉन्टैक्ट्स हुए कम्युनिकेशन या माइग्रेशन के द्वारा ही ये ट्रेड्स डिफ्यूज हुए टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इजिप्ट डब्ल्यू जे पेरी हिज बुक इज द चिल्ड्रन ऑफ सन विच वॉज रिटन इन 1923 He was devout follower of Smith and he supported Smith that Egypt is the cradle of civilization. Studying upon sun temples in Cairo, he found that sun god is a universal deity because Egyptians are children of the sun and worship of sun god spread to world through Egypt. Sun worship is the ancient form of worship that originated in Egypt and diffused to other parts of the world.
Perry was a follower of Smith, and he supported Smith that only Egypt is the cradle of civilization, or important inventions takes place at Egypt, and from where the it spread to the rest part of the world. So, सारे inventions and discoveries Egypt में हुई और वहीं से दूसरे parts of the world में वो फैली, एक मतलब cultural traits का जो है वो विस्तार हुआ दूसरे देशों में, एंड ऐसा सिर्फ इजिप्ट में ही सारे इन्वेंशन हुए ऐसा माना था पेरी का, जो फॉलोवर थे स्मिथ के. उन्होंने सन टेंपल्स का स्टडी किया काहिरा में, और उन्होंने पाया कि सन गॉड इज अ यूनिवर्सल डीटी. ऐसा क्यों है कि वो यूनिवर्सल डीटी है? बिकॉज जो सन वर्शिप है वो सबसे पहले इजिप्ट में हुई, और क्योंकि जो इजिप्शियंस है वो चिल्ड्रेन ऑफ सन है, और वहाँ पर सबसे पहले सन वर्शिप शुरू हुई, और वहाँ से दुनिया के दूसरे देशों में फैला सन वर्शिप. एंड सन वर्शिप इज एंशियंट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो कि इजिप्ट में ही ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले, और वहाँ से डिफ्यूज हुआ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. W.H.R. रिवर्स एंड हिज बुक्स आर टोडा, विच वॉज रिटन इन 1906. ये टोडा जो है वो इंडिया में उन्होंने आकर टोडा ट्राइब पर स्टडी किया था, तमिलनाडु की टोडा ट्राइब पर 1904 में स्टडी किया था, एंड द बुक वॉज पब्लिश इन 1906. देन द अनदर बुक इज हिस्ट्री ऑफ मिलनेशियन सोसाइटी, किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टिंक्ट एंड अनकॉन्शियसनेस, हिस्ट्री एंड एथनोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रीम. सो दीज आर द बुक्स रिटन बाय हिम. देयर आर सम आर्टिकल्स, A genealogical method of collecting social and vital statistics, 1900. Origin of classificatory kinship of relationship, ethnological analysis of culture and disappearance of useful arts. He was a member of famous Torres Strait expedition in 1898 and the first interdisciplinary anthropological expedition. It was the first interdisciplinary anthropological expedition. Means Torres Strait expedition जो था वो 1898 में organize किया गया, और वो पहला interdisciplinary anthropological expedition था जिसमें कि W.H.R. Rivers जो है वो member थे, and he along with his student C.S. Mayers and W. McDougall, he examined the psychological abilities of the natives and concluded that there was no racial difference. तो उन्होंने माना कि कोई racial difference नहीं होता, जो विश्व के सभी लोग एक ही हैं और एक जैसे ही वो एक ही family से belong करते हैं. He recorded genealogies in kinship terms and observed that specific behavior of primitive people during the expedition. The findings was published in the form of an article that is a genealogical method of collecting social and vital statistics. तो इस article में उन्होंने genealogies को collect किया था और उसको फिर book के article के रूप में publish हुआ, और तभी से genealogical method एक scientific method के रूप में use किया जाने लगा in collecting data in kinship organization. And in 1904, he came to India and studied a South Indian tribe, Polyandrous tribe, Toda of Nilgiri Hill. And he wrote a monograph on Toda, classic monograph, which was published in 1906. In 1911, he claimed himself as diffusionist and migrationist. And in 1912, in a paper, Disappearance of Useful Arts, he opined that culture traits not only progress but also degenerated. So, he told that culture traits सिर्फ प्रोग्रेसिव भी नहीं होते, डिजेनरेट भी करते हैं. ओल्ड कल्चर डिजेनरेट कर जाते हैं, न्यू ट्रेड्स अडॉप्ट कर लिए जाते हैं. तो डिसअपीयरेंस ऑफ यूजफुल आर्ट्स, इस पेपर में उन्होंने ये बात कही. In his book, The History of Milesian Society, he noted disappearance of canoes which were known and used by Milesian Society earlier. तो पहले Milesian Society कैनो यूज करती थी, मीन जो एक प्रकार की बोट होती है, दोनों साइड से टू साइड से वो थोड़ा पॉइंटेड एंड्स होते हैं उसके. तो ऐसे बोट जो है पहले Milesian Society के द्वारा यूज की जाती थी, पर धीरे धीरे समय के साथ वो डिसअपीयर हो गई. तो हिस्ट्री ऑफ मिलेशियन सोसाइटी में उन्होंने ये बात नोटिस की कि डिसअपीयरेंस ऑफ कैनोस, एंड ही नोटेड प्रेजेंस ऑफ फाइव डिफरेंट ब्यूरियल रिचुअल्स इन होमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने एक ही छोटी सी एक पॉपुलेशन में, एक जो छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों में उन्होंने पांच डिफरेंट काइंड के ब्यूरियल रिचुअल्स देखे. तो उन्होंने माना कि इतने सारे वेरिएशंस ब्यूरियल प्रैक्टिस में वो इस तरह की प्रिमिटिव सोसाइटीज में बहुत इम्पॉसिबल
पॉसिबल है बिकॉज सो मेनी वेरिएशन इन ब्यूरल प्रैक्टिसेस वर नॉट मेड बाय अनइन्वेंटिव इन प्रिमिटिव सोसाइटी बट इट वाज ड्यू टू स्मॉल सक्सेसिव माइग्रेशन अमंग देम। तो ऐसा इनके द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया होगा, इस तरह के पांच तरह के ब्यूरल प्रैक्टिसेस उन्होंने नहीं खुद से डेवलप की होंगी। ये जरूर इसके पीछे माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहा होगा कि आसपास के लोग वहाँ पर माइग्रेट किए होंगे और उनकी जो ब्यूरल प्रैक्टिसेस हैं इन्होंने अडॉप्ट कर ली होंगी। तो माइग्रेशन फ्रॉम अदर प्लेसेस टू आयरलैंड लेड टू द मैरिज बिटवीन द आउटसाइडर्स। तो उनके बीच में मैरिजेस हुई होंगी और जो लोकल वीमेन थी दैट इन टर्न लेड टू देयर ओरिजिनल रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन लैंग्वेज अनदर कैरेक्टरिस्टिक आल्सो एसिमिलेटेड। तो इस तरह रेशियल जो मिक्सिंग हुई दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, लैंग्वेज और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एसिमिलेट हुई आपस में, और फिर जो ओरिजिनल्स थे वो डिसअपीयर हो गए, न्यू ट्रेड्स दिखाई देने लगे, ओनली फ्यू ट्रेड्स वेर रिमेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो सारे ट्रेड्स तो नहीं मतलब डिसअपीयर हुए, कुछ ट्रेड्स बचे रह गए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो माइग्रेशंस के द्वारा नए ट्रेड्स जो है डिफ्यूज हो गए उनकी पॉपुलेशंस में। ऑस्ट्रेलिया के जो मिलेशन सोसाइटी थी उसमें उन्होंने ऐसा पाया एंड ही स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ अनइन्वेंटिवनेस ऑफ स्मिथ एंड पेरी। स्मिथ एंड पेरी जो कि एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस थे, उन्होंने माना कि मैन एट ऑल द प्लेसेस आर मोस्टली अनइन्वेंटिव एंड द इम्पॉर्टेंट मेंशंस टेक्स प्लेस ओनली एंड डिजिट एंड फ्रॉम वेयर दे स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इस बात को तो उन्होंने माना बट रिवर्स वॉज नॉट एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस, वो एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस नहीं थे। उन्होंने माना कि सिर्फ इजिप्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन्वेंशंस हुए होंगे और वहाँ से वो दूसरी जगहों में डिफ्यूज हुए होंगे ड्यू टू इमिटेशन और माइग्रेशन। तो इमिटेशन या माइग्रेशन के द्वारा वो डिफ्यूज हुए होंगे। जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो नोन एज कल्चर क्रीज स्कूल और कल्चर सर्किल स्कूल और कल्चर डिस्ट्रिक्ट स्कूल। एज दे सेड दैट कल्चर क्रीज स्प्रेड फ्रॉम वन सर्किल टू अनदर सर्किल फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो एक सर्किल से दूसरे सर्किल या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कल्चर ट्रेड्स का आदान प्रदान होता है, स्प्रेड होते हैं एंड दैट इज वाई इट्स ऑल्सो नोन एज कल्चर सर्किल स्कूल और कल्चर डिस्ट्रिक्ट स्कूल। और कल्चर क्रीज स्कूल का मीनिंग भी कल्चर सर्किल स्कूल होता है क्योंकि यह कल्चर क्रीज वर्ड इज फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज कल्चर हिस्टोरिक स्कूल। इनको हिस्टोरिक कल्चर हिस्टोरिक स्कूल भी कहा गया जर्मन स्कूल को बिकॉज कल्चर ट्रेड स्प्रेड फ्रॉम वन सर्किल टू अनदर सर्किल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इट्स ऑल्सो नोन एज वियना स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। फोर्थ ICS जो है वियना में ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके डायरेक्टर थे स्मिट और दैट इज वाई जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज वियना स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। They opined that different circles or the district develop at different places in different phases. In different time period में बहुत सारे different circles develop हुए और जहाँ से culture का spread हुआ to the other circles and other district. तो each culture trait or complex has a culture circle or district from where they migrated to the other places. They were not extreme diffuseness. तो German diffuseness extreme diffuseness नहीं थे because for them Egypt was not only the culture of center of culture. According to them, there are different cultural centers from where the culture is spread to the different directions or different circles or districts. So culture not only developed at the Egypt only, but at different places in different time period independently from where they migrated or imitated to the other places. फॉर एग्जाम्पल जहाँ यहाँ पर दो सर्कल्स दिखाई गई ए और बी सर्कल, तो ए से बी की तरफ जो है कल्चर ट्रेड्स जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इसी तरह उन्होंने माना कि बहुत सारे ऐसे कल्चर सेंटर्स और कल्चर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कल्चर सर्कल्स होते हैं जहाँ पर एक सर्कल से दूसरे सर्कल और फिर उससे आगे और दूसरे सर्कल, इस तरह कल्चर ट्रेड्स का आदान प्रदान होता है। ये स्कूल इसीलिए इसको कल्चर सर्किल और कल्चर डिस्ट्रिक्ट स्कूल माना गया। फ्रेडरिक रेजिल, हिज बुक्स आर एंथ्रोपोजियोग्राफी एंड वॉल्कर कुंडा, जिसको कि जर्मन में वॉल्कर कुंडा एंड इन इंग्लिश इट इज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो दीज आर द बुक्स रिटन बाय हिम। ही वाज फाउंडर ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन एंड ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन एट जर्मनी। इन हिज बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी, वो एक जियोग्राफिस्ट थे और उन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया कि रिलेशन बिटवीन द एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोग्राफी, ही शोड रिलेशन बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोग्राफी एंड ऑल्सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेरिटोरियल एंड सोशल
ज्योग्राफी ही व्यूड दैट मैन इज मच मोर इमिटेटिव दैट क्रिएटिव। उन्होंने माना कि मैन जो है इन्वेंटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, बल्कि इमिटेटिव है, नकल करता है दूसरे कल्चर या दूसरे ट्रेड्स की। एंड ही गेव प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया फॉर्म और फॉर्म इज एंड रैंक के दैट स्टेट्स दैट सिमिलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मस्ट बी हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड बोरोइंग मस्ट हैव टेकन प्लेस। तो उनका मानना था कि निश्चित ही अगर दो कल्चर्स में या ट्रेड्स में सिमिलरिटीज दिखाई दे रही तो इसका मतलब निश्चित ही उनका हिस्टोरिकल कनेक्शंस है और उनमें ट्रेड्स का बोरोइंग हुआ है। मीन्स एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड्स में बोरो किया गया, मीन्स एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रेड्स का बोरोइंग हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट फेदरिंग ऑफ एरोज, क्रॉस सेक्शन ऑफ बो शाफ्ट, फैसनिंग ऑफ बो स्ट्रिंग इन अफ्रीका वेयर सिमिलर टू दैट ऑफ इंडोनेशिया, दैट्स वाज बोरोइंग ऑफ ट्रेड्स। तो उन्होंने माना कि इस तरह एरो या बो शाफ्ट और बो स्ट्रिंग का जो जिस तरह रस्सी मतलब उसको स्ट्रिंग लेते हैं खींचते हैं, वो सारा कुछ जो अफ्रीकन कल्चर में पाया गया वो सभी इंडोनेशिया में भी था। तो इस तरह माना कि निश्चित ही इंडोनेशिया से अफ्रीका में जो है कल्चरल ट्रेड्स का बोरो हुआ होगा और इस तरह जो है वो सिमिलर जो कल्चर दिखाई देते हैं या सिमिलर स्ट्रक्चर्स या कल्चरल ट्रेड्स दिखाई देते हैं ऐसा इमिटेशन या बोरोइंग के द्वारा हुआ है। तो कल्चर ट्रेड्स बिकम सिंप्लीफाइड इन देयर कोर्स ऑफ डिफ्यूजन। ही व्यू दैट कल्चर ट्रेड्स अपने कोर्स ऑफ डिफ्यूजन में सिंप्लीफाई हो जाते हैं एंड ही डिडंट बिलीव इन एक्सट्रीम डिजनरेशन ऑफ ट्रेड्स। तो डिजनरेशन की बात नहीं करते हैं वो कि वो खत्म हो जाते हैं ट्रेड्स या वो उनमें लोबरिंग हो जाती है ट्रेड्स की। उन्होंने माना कि वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं इन देयर कोर्स ऑफ डिफ्यूजन। लियो फ्रोबेनस, दीज आर सम बुक्स रिटन बाई हिम इन जर्मन, जो अफ्रीकन कल्चर पर उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। एंड ही ऑब्जर्व दैट माइग्रेशन इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स बट होल कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। तो वो सिर्फ सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स का ही मीन्स डिफ्यूजन की बात नहीं करते बल्कि पूरे पूरे कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सिमिलरिटी पाते हैं। तो वो मानते हैं कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स का डिफ्यूजन हुआ फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। एंड ही फाउंड दैट नॉट ओनली बो एंड एरो वर सेम बिटवीन अफ्रीका एंड इंडोनेशिया बट द होल कल्चर कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वर सिमिलर, दैट मींस माइग्रेशन हैड टेकन प्लेस। तो माइग्रेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्टर माना फॉर सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। ही गेव टू क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स मीन्स वन शुड काउंट द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, मीन्स सिमिलरिटीज बहुत सारी हो सकती हैं किसी भी कल्चर में तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज को काउंट करना चाहिए। एंड बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल क्राइटेरिया बताया जिसमें कि इंटरनल चेंजेस हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट विद माइग्रेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, नॉट ओनली सिमिलरिटीज इन ट्रेड्स बट आल्सो डिफरेंसेस ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज समवेयर डिसअपीयर। तो डिफरेंस भी इंक्रीज होते हैं, सिमिलरिटीज ही नहीं इंक्रीज होती हैं, डिफरेंसेस भी इंक्रीज होते हैं ट्रेड्स में, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड ही ओपाइंड दैट हायर कल्चर्स वर ऑलवेज ओरिजिनेटर्स एंड लोअर वंस इमिटेटर्स। और दैट इज वाई उन्होंने जब माइथोलॉजीज अफ्रीका और इंडोनेशिया की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो अफ्रीकन इंडोनेशियन माइथोलॉजीज में सिमिलर हैं बट माइथोलॉजीज का जो डिफ्यूजन हुआ है वो इंडोनेशिया से अफ्रीका की तरफ हुआ है क्योंकि इंडोनेशिया में वो एक एपिक के रूप में ग्रंथ के रूप में डेवलप है वहाँ पे माइथोलॉजीज, जबकि यहाँ पर सेपरेट सेपरेट मिली अफ्रीका में। तो उन्होंने माना कि क्योंकि अलग अलग हिस्सों में माइथोलॉजीज मिल रही हैं इसका मतलब कि वो इंडोनेशिया से अफ्रीका में डिफ्यूजन हुआ है। तो इंडोनेशिया को उन्होंने हायर कल्चर माना और अफ्रीकन को लोअर कल्चर मानते हुए उन्होंने डिफ्यूजन ऑफ माइथोलॉजी फ्रॉम इंडोनेशिया टू अफ्रीका बताया। फ्रिट्ज ग्रैबनर, हिज बुक इज मेथड ऑफ एथनोलॉजी व्हिच वाज रिटन इन 1911। ही वाज अ मेन लीडर ऑफ कल्चर क्रिटिक्स स्कूल एंड ही अप्लाइड कल्चर स्ट्रेटा एंड कल्चर सर्किल एट वर्ल्ड लेवल। In his book Method of Ethnology explained a criteria for identifying similarities and historical relationships. He two principles suggested by him are criterion of form and criterion of quantity.
Criteria form is two cultures show similarities not due to natural but due to diffusion of traits. Means similarities between the two cultures traits not arise naturally. वो nature के द्वारा नहीं हुई जबकि वो diffusion of traits हुआ है by imitation and migration. And criteria of quantity says that with the increase in number of items show similarities, probability of historical relationship increases. अगर दो या दो से अधिक items में similarities show हो रहे इसका मतलब उसमें historical relationship है historical connections हो सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आइटम्स शोइंग सिमिलैरिटीज अकॉर्डिंग टू हिम ईच कल्चर अर्ली कल्चर दैट इज अर्क कल्चर और प्रिमेबल कल्चर डेवलप्ड बाय प्रिमिटिव मैन स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन कोर्स ऑफ टाइम एंड इट इज द टास्क ऑफ एन एथनोलॉजिस्ट टू ट्रेस वेरियस कल्चर ट्रीज और कल्चर सर्कल्स तो उन्होंने माना कि जो अर्ली कल्चर है प्रिमेबल कल्चर वो प्रिमिटिव मैन के द्वारा डेवलप किया गया और जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो गया समय के साथ साथ तो समय के साथ साथ जो अर्ली कल्चर डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ और एथनोलॉजिस्ट का ही टास्क है कि उन कल्चर ट्रेड्स को देखें कि कहाँ से ये स्प्रेड हुआ और किन किन डायरेक्शन में कहाँ कहाँ सिमिलर कल्चर ट्रेड्स पाए जाते हैं तो उससे हिस्टोरिकल कनेक्शन जो है पता चलेंगे ये कहना था फ्रिट्ज स्क्रिबनर का ही रिकॉन्स्ट्रक्टेड सिक्स लेयर्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन स्टडी ऑफ ओशिनिया First, the Tasmanian culture that was designated by him as earliest culture, then Australian boomerang, totemic hunter, two class horticulturist and Polynesian matrilineal reset. तो एक प्रकार से ये जो इन्होंने पांच से मतलब सिक्स लेयर्स दी थी कल्चरल डेवलपमेंट की धीरे धीरे के इवोल्यूशनरी स्टेजेस की तरह यहाँ पर भी डेवलपमेंट दिखाई देता है कि अर्ली जो तस्मानियन कल्चर है उससे धीरे धीरे कैसे टोनामिक हंटर देन हॉर्टिकल्चर डेवलप होता है एंड पॉलिनेशन पैट्रिलिनियल सोसाइटीज डेवलप होती है तो इस तरह उन्होंने सिक्स लेयर्स ऑफ कल्चर डेवलपमेंट बताई एंड ही क्लासिफाइड टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अर्लीस्ट मैन होता है उसको उन्होंने प्राइमरी डिफ्यूजन कहा प्राइमरी डिफ्यूजन कहा मीन्स जो अर्ली ट्रेड्स हैं वो अर्ली सेंटर से डेवलप अर्ली कल्चर सेंटर से अदर कल्चर सेंटर्स की तरफ स्प्रेड होते हैं तो दैट इज वाई तस्मानियन कल्चर को ओल्डेस्ट वन माना और ये प्राइमरी डिफ्यूजन है सेकेंडरी डिफ्यूजन मीन्स एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर डेवलप ऑल अराउंड द ऑस्ट्रेलिया तो एक ही कल्चर सेंटर है और वहाँ से धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज कल्चर डेवलपमेंट होता है कल्चर स्प्रेड होता है फ्रॉम वन कल्चर सर्किल टू अदर कल्चर सर्कल्स तो इस तरह ये सेकेंडरी डिफ्यूजन है कॉम्प्लेक्स कल्चर जो है वो डेवलप होता है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया फादर विलियम स्मिट हिज बुक्स आर द ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ गॉड हाई गॉड्स इन नॉर्थ अमेरिका and culture historical method of ethnology he was elected as president of fourth ICS held at Vienna in 1952 and that is why German school of diffusion is also known as Vienna school of diffusion and he was follower of Grabner he was founder of general anthropos he applied two rules to divide world culture into different strata criteria of quality and criteria of quantity तो क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म जिसको कि ग्रैबनर एंड रेडजल ने दिया था नाम उसी को उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी दिया एंड दूसरा है क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करते हैं मोर नंबर ऑफ आइटम्स शो सिमिलरिटीज मीन्स देयर आर हिस्टोरिकल कनेक्शंस तो ही अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ हाई गॉड ही फाउंड दैट अर्ली प्रिमिटिव पीपल वर्शिप्ड हाई गॉड एज एन ऑल फादर जो अर्ली पीपल होते थे वो एक हाई गॉड की वर्शिप करते थे जो सभी का पिता मीन्स ऐसा कुछ जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक ही एक गॉड होता है हाई गॉड और उसी की वर्शिप करते थे मीन्स मोनोथिज्म की तरफ वो इशारा करते हैं कि अर्ली पीपल दे वर्शिप ऑफ हाई गॉड एज एन ऑल फादर And his division of culture circle was based on evolutionary principle as he placed cultures in evolutionary order from hunting gathering through the horticulturist to civilization. तो उन्होंने different stages culture area की different stages बताएं culture development की और जो show करता है कि एक evolutionary idea जैसा कि Grabner ने भी बताया था आगे तो उनका भी जो सिक्स ग्रेड्स थी वो भी कल्चर डेवलपमेंट जो है इवोल्यूशनरी ऑर्डर में शो करते हैं इसी तरह इन्होंने भी इवोल्यूशनरी ऑर्डर में हंटिंग गैदरिंग स्टेज से आगे बढ़ते हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड देन टू सिविलाइजेशन स्टेज उन्होंने दिखाया अपने कल्चर सर्किल डिवीजन में He divided whole culture into four culture circles which were further divided into several sub-crises. First, the primary culture circle.
second is the first the primitive culture circle, second is the primary, थर्ड इज द सेकेंडरी कल्चर सर्किल एंड फोर्थ इज द टर्शियरी कल्चर सर्किल। तो इस तरह चार कल्चरल सर्कल्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे कल्चर को, और इन चार कल्चरल सर्किल्स में भी कुछ सब कल्चरल सर्कल्स डाल दिए। जैसे कि प्रिमिटिव कल्चरल सर्किल में सेंट्रल एक्सोकैमस क्रीज है, आर्कटिक क्रीज है और एंटार्कटिक क्रीज है। इस तरह प्राइमरी में पैट्रियार्कल एक्सोगैमस पैट्रिलिनियल एंड देन एक्सोगैमस मैट्रिलिनियल, फिर प्री पैट्रिलिनियल प्री मैट्रिलिनियल। देन टर्शियरी कल्चर सर्किल में सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ एशिया यूरोप एंड अफ्रीका। तो इस तरह एक इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है उनके कल्चर सर्किल्स में कि धीरे धीरे कैसे सोसाइटीज डेवलप करती गई और इवॉल्व होती गई नई नई स्टेजेस में। तो डिफ्यूजन भी हो रहा है और यहाँ पर इवोल्यूशनरी स्टेज भी शो कर रहा है। और इससे एक चीज पता चल रही है कि जो अर्ली सोसाइटीज थी वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, देन डेवलप्ड इनटू द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज। अर्ली सोसाइटीज पैट्रिलिनियल एंड टोटेमिक हंटर, देन पैट्रिलिनियल एंड विलेज ड्वेलिंग, मीन्स यहाँ पर एक सेटल्ड लाइफ, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के साथ विलेज ड्वेलिंग जो है स्टार्ट हो गई। इसी तरह पैट्रिलिनियल प्री पैट्रिलिनियल सिस्टम सूडान पॉलिनेशिया इंडिया यूरोप में, एंड फिर उसके बाद प्री मैट्रिलिनियल सोसाइटी आ जाती है जो इंडो चाइना एंड इसमें मेलनेशिया नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में दिखाई देती है। फिर जो टर्शियरी कल्चर सर्किल, उनका जो लास्ट कल्चर सर्किल है वो सिविलाइजेशन फेस शो करता है, मीन सिविलाइजेशन ऑफ एशिया यूरोप एंड अफ्रीका। तो इस तरह इन्होंने होल कल्चर को चार कल्चर सर्किल्स एंड सेवरल सब कल्चर्स में डिवाइड किया। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, दिस स्कूल ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो नोन एज कल्चर एरिया स्कूल। कल्चर एरियाज आर द ज्योग्राफिकल एरियाज और द रीजन शोइंग सिमिलरिटीज इन देयर कल्चरल ट्रेड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड दे डिवाइड द होल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कंट्री इनटू डिफरेंट कल्चर एरियाज। दे आल्सो फोकस ऑन कॉजेस ड्यू टू व्हिच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। दे डिडंट एक्सेप्टेड द डीजनरेशन ऑफ द लॉस of the trades theory as proposed by British and German diffusionists, and they find that every culture makes its own adaptation. तो उन्होंने कल्चर एरिया स्कूल दिया था, अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन जो स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज आल्सो नोन एज कल्चर एरिया स्कूल, बिकॉज उन्होंने कल्चर एरिया अप्रोच दिया अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट ने। और उनके अकॉर्डिंग कल्चर एरिया एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं जहाँ पे जो क्लोज कल्चरल एरियाज होते हैं वो ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करते हैं दैन द फार एरियाज। तो फार जो कल्चरल एरियाज हैं जो एक दूसरे से बहुत दूरी पे, उनमें सिमिलरिटीज नहीं दिखाई देती, जबकि जो बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं उनमें सिमिलरिटीज शो करते हैं। तो कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन्स जिन एक कल्चरल एरियाज बनाते हैं जिनमें सिमिलरिटीज दिखाई देती है ट्रेड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड इस तरह उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट कल्चरल एरियाज में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने ना सिर्फ कल्चरल एरियाज में डिवाइड किया बल्कि उन्होंने कॉजेस भी बताई। जैसा कि ब्रिटिश और जर्मन डिफ्यूजनिस्ट ने अपने थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन में कॉजेस नहीं बताए कि किसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, इन्होंने उसके कॉज भी बताया कि क्यों डिफ्यूजन होता है। एंड दे डिडंट एक्सेप्ट द डीजनरेशन, और डीजनरेशन थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जो कि ब्रिटिश एंड जर्मन डिफ्यूजनिस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा जो डिफ्यूजन होता है ट्रेड्स का उसमें डीजनरेशन एंड लॉस ऑफ ट्रेड्स भी होते हैं, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड दे फाइंड दैट एवरी कल्चर मेक्स इट्स ओन एडॉप्टेशन, उन्होंने माना कि हर कल्चर अपना खुद का एडॉप्टेशन करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में। तो कल्चर लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इमिटेट एंड अडॉप्ट वन अदर्स कल्चर दैन दोज लिविंग पार टू ईच अदर, देयरफॉर सिमिलर डिफ्यूज ट्रेड्स आइसोमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं, दे आर मोर कॉमन इन कल्चर विद द क्लोज ज्योग्राफीज। तो दो ज्योग्राफीज जो कि आसपास हैं एक दूसरे के नज़दीक हैं उनमें आपको सिमिलर ट्रेड्स दिखाई देंगे, और जो ज्योग्राफिकल एरियाज एक दूसरे से काफी दूर है उनमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे कल्चरल ट्रेड्स में। और जो ग्रेट बैरियर के रूप में काम करते हैं मीन्स डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड्स में, उसमें आते हैं माउंटेन हिल डिजर्ट। तो जो भी नेचुरल इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि बैरियर का काम करते हैं, ऑब्स्टिकल का काम करते हैं द डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड्स, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी जिसमें आता है, रिवर फॉरेस्ट हिल डिजर्ट एंड माउंटेन, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। तो इस तरह ये डिफ्यूजन का काम करते हैं। देखिए रीजन दैट बिहाइंड डिफ्यूजन दैट इट अकर्स ड्यू टू इमिटेशन मॉडलिंग ऑफ ट्रेड्स। तो डिफ्यूजन क्यों होता है इसका कॉज इन्होंने दिया कि डिफ्यूजन
इमिटेशन या बोरोइंग ऑफ ट्रेड्स की वजह से होता है, जो इम्पोर्टेंट या ट्रेड्स हमको दिखाई देते हैं, यूजफुल ट्रेड दूसरे के कल्चर में दिखाई देते हैं, उनको हम बोरो कर लेते हैं, इमिटेट करते हैं, उसी की वजह से डिफ्यूजन होता है। बिकॉज इट इज ईजी टू बोरो एंड इमिटेट, इन्वेंट करने से ज़्यादा ईजी होता है कि आप किसी दूसरे के कल्चर ऑलरेडी इन्वेंटेड ट्रेड को आप बोरो कर लें या इमिटेट कर लें, वो ज़्यादा ईजी होता है। इसी वजह से अदर कल्चर्स ने, जो डेवलप्ड कल्चर्स हैं, वहाँ से उनके ट्रेड्स को बोरो किया होगा, इमिटेट किया होगा, क्योंकि ये इजी पड़ता है। कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट वॉज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई क्लार्क विस्लर एंड वॉज सपोर्टेड बाई एयर ग्रोफर, हस्कोविट्स एंड सैपिर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च दे डिसक्रेडिटेड द एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड प्रूव द डिफ्यूजन। सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर एरिया इन इंडिया। इंडिया में अगर डायरेक्शंस के आधार पर देखें तो बहुत सारे कल्चरल एरियाज हैं, जैसे कि नॉर्दर्न एरिया है, सेंट्रल कल्चरल एरिया, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न। अभी इसी में हम इनको फूड एरियाज के रूप में डिवाइड कर दें तो नॉर्थ इंडियन फूड एरियाज हो जाएंगे, सेंट्रल इंडियन फूड एरियाज हो जाएंगे, वेस्टर्न फूड एरियाज, साउदर्न फूड एरियाज, ईस्टर्न। इसी तरह हम ड्रेस के रूप में या अदर कल्चरल ट्रेड्स के आधार पर इनको हम कल्चर एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो कल्चर एरिया अप्रोच कहता है कि टू क्लोज ज्योग्राफीज दे शेयर सिमिलर ट्रेड्स, मीन्स नॉर्दर्न एंड सेंट्रल और जो वेस्टर्न है। तो सेंट्रल अगर इंडिया की बात करें, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे रीजन आते हैं, अगर इनमें जो ट्रेड्स की हम बात करते हैं उसमें आपको नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न कल्चर के ट्रेड्स दिखाई देंगे, इधर ईस्टर्न और साउदर्न के भी दिखाई देंगे। बिकॉज ये सराउंडेड है, इन सब के बाउंड्री से ये इसके जो बाउंड्री टच करती है, तो जितना ही ये दूसरे एरिया के क्लोज में रहेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा, उसके ट्रेड्स इतने ही सिमिलर होंगे। ये यहाँ पर इजी करना, मीन्स बोरोइंग या इमिटेट करना यहाँ से इजी है। माइग्रेशंस इजीली हो सकते हैं, इनमें कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच करती हैं, ये नियर बाई ज्योग्राफीज में रहते हैं, इसलिए इनमें ट्रेड्स का आदान प्रदान इजीली हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न और साउदर्न कल्चर की बात करें तो नॉर्दर्न कल्चर इज वेरी फार फ्रॉम साउदर्न कल्चर, तो बोरोइंग ऑफ ट्रेड्स या इमिटेशन ऑफ ट्रेड्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर इसलिए डिफरेंसेस दिखाई देंगे आपको कल्चरल ट्रेड्स में, जैसे कि फूड में भी आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, और उनके जो ड्रेस स्टाइल है उसमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, उनके वर्शिप पैटर्न में, तमाम चीज़ों में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, या मॉन्यूमेंट्स है या टेंपल स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम ऐसे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। इसी तरह वेस्टर्न से नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जाए तो दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर भी आपको कल्चरल डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो जो भी क्लोज होते हैं एक दूसरे से कल्चरल एरियाज, वहाँ पर आपको सिमिलरिटीज दिखाई देती है, और जो भी एरियाज एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट मीन्स कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश ले लिया जाए अगर यहाँ पर, और यहाँ पर केरल या तमिलनाडु के कल्चर को अगर आपस में रिलेट किया जाए, डिव मीन्स देखा जाए कि उनमें कंपैरिजन किया जाए, तो हाँ आपको बहुत सारी कल्चरल डिफरेंसेस दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर महाराष्ट्र के जो है उससे अगर हम यहाँ पर जो आंध्रा के कल्चर को अगर कंपेयर करते हैं, या साउदर्न छत्तीसगढ़ से हम आंध्रा के कल्चर को कंपेयर करते हैं, तो हमको बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज दिखाई देंगी जो कि उनमें आपस में सेम होंगे, डिफरेंसेस कम होंगे, क्योंकि उनकी कल्चरल बाउंड्रीज एक दूसरे से बहुत नज़दीक है। तो इसलिए इनमें कल्चरल सिमिलरिटीज दिखाई देती है, उनके फूड में भी, उनके ड्रेस पैटर्न में, उनकी लैंग्वेज में तमाम डिफ्यूजन होता है, तो इस तरह हमको कल्चरल सिमिलरिटीज दिखाई देती है। तो यही कल्चरल एरिया अप्रोच है, जो कि पूरे विश्व में डिफरेंट कल्चर एरियाज होते हैं और वहाँ से डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड्स जो है होता है टू द नियर बाई कल्चर एरियाज। आज के केस में अगर देखें तो ये जो थ्योरी दी गई थी बहुत पहले, जब इतना कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे, इंटरनेट और मीडिया नहीं था, तब कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता। आज इंटरनेट और टीवी के माध्यम से हम किसी भी कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया, जो इंटरनेशनल वर्ड्स में किसी भी कल्चर, जो कि आज इसीलिए विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है कि किसी भी कल्चर के बारे में इजीली इंटरनेट से देख सकते हैं और उनके कल्चर्स को एडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे उनका फूड हैबिट्स हो, चाहे ड्रेस पैटर्न हो, कुछ भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये जो अर्ली सोसाइटीज़ में, ये अर्ली जो कल्चरल
मीन्स हिस्ट्री में ऐसा बहुत डिफिकल्ट था डिफ्यूजन, क्योंकि जो बहुत पास रहती थी ज्योग्राफीज उन्हीं में डिफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि वहां से ट्रैवल करना या माइग्रेशन करना इजी होता था। पर आज के केस में क्योंकि फ्लाइट से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो इजी है डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड्स। फ्रेंच बोआज, हिज बुक्स आर सेंट्रल एस्किमो, क्वाकियोटल टेक्स्ट, माइंड्स ऑफ प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो दीज आर द बुक्स रिटन बाय हिम एंड वन डिसर्टेशन दैट इज कलर ऑफ सी वाटर। वाज बोर्न इन जर्मनी एंड वाज एजुकेटेड इन थ्री यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी, नेमली हाइडलबर्ग जहाँ पर उन्होंने फिजिक्स पढ़ा, बॉर्न जहाँ पर जोग्राफी पढ़ा, एंड कील मैथमेटिक्स। ही वॉज फर्स्ट हु स्टार्टेड द फील्ड बेस्ड एथनोग्राफिकल रिसर्चेस। बैफिनलैंड में उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च शुरू किया, फील्ड बेस्ड रिसर्च शुरू किया, क्योंकि अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है आमचे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे जो कि दूसरे के द्वारा कलेक्टेड डेटा पर इंडिपेंडेंट होते थे, जिसमें कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट आते हैं। और तो उन्होंने ही पहला ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया, फील्ड बेस्ड एथनोग्राफिक रिसर्च स्टार्ट किया 1883 में बैफिनलैंड एक्सपेडिशन के द्वारा दौरान उन्होंने पहली बार एथनोग्राफिक रिसर्चेस की। ही सक्सेसफुली प्लेड वेरियस रोल्स एज ए टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, जर्नलिस्ट एट सोम हॉल। इन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ही ऑक्यूपाइड एन इमेज ऑफ फादर, हीरो एंड गुरु। तो वो एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका योगदान एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ही जो फोर फील्ड अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी में दिया, मीन्स सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, आर्कियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, ये चारों को ही स्टडी करना चाहिए, मीन्स जो होलिस्टिक स्टडी है मैन की, वो ह्यूमन बींग की। ये जो अप्रोच है फोर फील्ड अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी में, फ्रेंच बोआज ने ही दिया था 1888 में दिया था, इस्टेब्लिश फोर फील्ड अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी इन 1888 व्हेन ही वाज अपॉइंटेड इन क्लार्क यूनिवर्सिटी। तो जब वो क्लार्क यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड थे, उन्होंने जो है ये फोर फील्ड अप्रोच दिया। ही स्टडीड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन फॉर साइंटिफिक स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी, डिडंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर स्कूल इन एंथ्रोपोलॉजी। एंड ही लेफ्ट नो ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अनटच्ड। ही हैड कंट्रीब्यूटेड सेवरल बुक्स, मेड कलेक्शंस, मोर देन 700 आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी लाइक एथनोलॉजी, फोकलोर, लिंग्विस्टिक्स, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजियम एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एटसेट्रा। तो इस तरह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया एंथ्रोपोलॉजी में। उन्होंने किसी भी ब्रांच को छोड़ा नहीं, सब में उन्होंने स्टडी किया और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, मोर देन 700 आर्टिकल्स, और बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने योगदान दिया। रिव्यूड कल्चर एंड पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। जैसा कि कल्चर एंड पर्सनैलिटी अप्रोच जो होता है, जिसमें कि सम एंथ्रोपोलॉजी सेड दैट कल्चर इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी, सम सेड दैट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस कल्चर, एंड सम सेड दैट पर्सनैलिटी एंड कल्चर बोथ इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। और यही मानना था बोआज का, इन्हीं को फॉलो किया था कल्चर एंड पर्सनैलिटी अप्रोच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। तो बोआज को ही उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने अप्रोच दिया कि कल्चर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। एंड ही गेव नेचुरल हिस्ट्री एंड सोशल फिलोसॉफिकल अप्रोच। ही सेड दैट फर्स्ट एंड इमीडिएट टास्क ऑफ एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिविलाइज्ड नेशंस को नहीं, बल्कि जो प्रिमिटिव कल्चर है उसको भी, तो होल मैनकाइंड को स्टडी करना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, ना सिर्फ सिविलाइज्ड नेशंस को। ही रिजेक्टेड द कंपैरेटिव मेथड ऑफ इवोल्यूशनिस्ट एंड फॉलोड हिस्टोरिकल मेथड। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल कनेक्शन जो है कल्चर के, उनको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने कंपैरेटिव मेथड जो कि इवोल्यूशनिस्ट ने दिया था कि अर्ली कल्चर और कॉन्टेम्प्रेरी कल्चर को उन्होंने कंपेयर किया था और फिर सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का स्टेज बताया था, ये वाला जो अप्रोच था उसको फ्रेंच बोआज ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो किया। उनका कहना था कि कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड हिस्ट्री ऑफ कल्चर डेवलपमेंट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड बाय एथनोलॉजिकल फील्ड वर्क। और यही अप्रोच उनका कल्चरल हिस्टोरिज्म, मतलब हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो अप्रोच है वो देता है आगे बढ़कर और आगे चलकर। ही प्रूव्ड इन हिज स्टडी ऑफ ऑक्यूपल दैट पैट्रिलिनिटी प्रोसीडेड द मैट्रिलिनियलिटी। इनके अकॉर्डिंग जो पैट्रिलिनियल सोसाइटीज थी वो अर्ली सोसाइटीज पैट्रिलिनियल थी और जो आगे बढ़कर मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में डेवलप होती हैं। ही आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ज्योमेट्रिक आर्ट फ्रॉम रियलिस्टिक आर्ट एज गिवन बाय द हेडन। तो उनका मानना था कि ज्योमेट्रिक आर्ट जो है वो रियलिस्टिक आर्ट से नहीं डेवलप हुई, दोनों अलग अलग इन्वेंशंस हुए हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ फोकलोरिक ट्रेडिशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर फॉर द एकेडमिक पर्पसेस।
for future generations, as oral traditions are the unwritten historical document of the account of the tribal societies. क्योंकि folkloric tradition जो oral वो oral traditions हैं और वो नष्ट हो सकते हैं आने वाले समय में, तो tribal societies में उन्होंने माना कि जो folklore है वो important part of their culture होता है, उनका एक बहुत ही important cultural traits होते हैं जो उनके folklores में, folk tales में, riddles में, art, magic, song, dance, idioms, इन सभी में कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं उनके cultural traits. इसको preserve करना बहुत जरूरी है और इसी पे उन्होंने इस पे बहुत बल दिया और जिसकी वजह से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन फोकलोर सोसाइटी एस्टैब्लिश किया 1988 एंड ही वाज अपॉइंटेड एज एन एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ अमेरिकन फोकलोर इन 1908. ही कलेक्टेड लार्ज डेटा ऑन फोक मिथ्स, टेल्स, रिडल्स, आर्ट, मैजिक, सॉन्ग, डांस, इडियम्स, कस्टम, सेरेमनीज. साल्वेज एथनोग्राफी, दिस वॉज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम. इट मीन्स दैट टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द कल्चर सो एज टू प्रिजर्व द कल्चर बिकॉज दे मे बी लॉस्ट एक्सटेंट टू डिसअपीयर इन द फ्यूचर. तो यही उनका मानना था, क्योंकि जो जो इनके ट्राइबल्स के कल्चर होते हैं या अर्ली कल्चर, अर्ली सोसाइटी के कल्चर, वो नष्ट हो सकते हैं आने वाले समय में, तो उसलिए उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्योंकि वो नष्ट हो सकते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने साल्वेज एथनोग्राफी कहा. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज. मोस्ट जो फेमस कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंच बोआस के, दीज आर द हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. Historical particularism. For French Boas view that cultural similarities are not due to psychic unity of mankind and similar environment. तो जैसा कि cultural differences का मानना था कि psychic unity of mankind because man throughout the world behave and think in the same way and that is why there are similarities in all part of the world in cultural traits. तो ये इसको reject किया इन्होंने French Boas ने और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि psychic unity of mankind ये similar environmental conditions की वजह से ही कल्चरल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं. उन्होंने माना कि मैन डजंट ओबे सेम लॉज एवरीवेयर. मैन जो है वो एक ही जैसा नहीं मान सकता है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं. यू फाइंड दैट सिमिलरिटीज आर ड्यू टू कॉमन ओरिजिन इन हिस्ट्री बट इन लिमिटेड और स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज. तो जो कि होल कल्चर में नहीं अप्लाई हो सकता, कुछ स्मॉल ज्योग्राफीज में सिमिलर एनवायरनमेंटल कंडीशंस में सिमिलर कल्चर ओरिजिन हुआ होगा क्योंकि उनकी कॉमन ओरिजिन हिस्ट्री में है एंड दैट इज व्हाई ही फाइंड दैट टू स्टडी द आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री नेवर इट्स टोटलिटी एंड ही दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म. ही सेड दैट एवरी सोसाइटी पॉसेस इट्स ओन कल्चर एंड एवरी कल्चर इज यूनिक हिस्ट्री. ईट कल्चर डेवलप डिफरेंटली. तो पास्ट में सब कल्चर, सारे कल्चर्स का अपना अपना एक पास्ट है और उसके अकॉर्डिंग ही वो डेवलप करते हैं. एक निश्चित ज्योग्राफीज में, एक निश्चित हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कल्चर का डेवलपमेंट होता है. तो हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है जो दूसरे कल्चर से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनका पास्ट डिफरेंट है और डिफरेंट पास्ट की वजह से, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो अलग अलग डेवलप हुए हैं. कल्चर डेवलप्स डिफरेंटली एंड कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉज. तो इसीलिए जनरल लॉज या यूनिवर्सल लॉज उनको अप्लाई नहीं किया सकती, उसके द्वारा किसी भी कल्चर को गवर्न नहीं किया सकता. एंड ईच कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ वैलिड एंड मीनिंगफुल इन इट्स ओन राइट. तो हर कल्चर अपने आप में वैलिड और इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ है, उसको हम किसी दूसरे कल्चर से रिलेट नहीं कर सकते हैं या ना ही उसको हम कंपेयर कर सकते हैं. तो इट इज एन आइडिया कॉन्सेप्ट दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म दैट नो कल्चर इज सुपीरियर इन्फीरियर. उनका मानना था कि कोई भी कल्चर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता. नो कल्चर इज सैवेज और सिविलाइज. किसी भी कल्चर को हम सैवेज या सिविलाइज नहीं कर सकते. जैसा कि कल्चरल इवोल्यूशनिस या क्लासिकल इवोल्यूशनिस का मानना था कि अर्ली पीपल वर सैवेज एंड दे डेवलप इनटू बार्बर स्टेज एंड देन फाइनली दे डेवलप इनटू द सिविलाइज स्टेज. बट बोआस व्यूड दैट नो कल्चर इज सैवेज और सिविलाइज. ईच कल्चर इज सिविलाइज. ईच कल्चर हैज अ सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स एंड बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री दे डिफर इन देयर कल्चरल ट्रेड्स. ईच कल्चर हैज ओन स्पेसिफिक ट्रेड्स एंड वन मस्ट बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेड्स. उनके इनहेबिटेंट्स या नेटिव्स के अपने खुद के कल्चरल ट्रेड्स, उनकी बिलीफ, उनके रिचुअल्स, कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी कल्चर को आंकना चाहिए और हमें अपने कल्चर के हिसाब से उन्हें नहीं जज करना चाहिए.
क्योंकि हर कल्चर की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होती है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है. इन अदर वर्ड्स, पीपल ऑफ अ कम्युनिटी शुड बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कल्चर ट्रेड्स, देयर ओन परसेप्शंस एंड व्यू पॉइंट्स. Boas in 1928, he said that if we were to select the most intelligent, imaginative, energetic and emotionally stable third of mankind, all races would be present. तो उन्होंने माना कि सभी रेसेस में एक ही सेम करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे. कोई भी रेशियल, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की कि कोई रेस सुपीरियर या इंपीरियर होती है. सारे रेसेस में हमको सिमिलर ट्रेट्स दिखाई देते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि नो कल्चर इज सुपीरियर इंपीरियर. तो कल्चरल रिलेटिविज्म एंड हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, इस ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया. और ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ये अपोज करता है एथनोसेंट्रिज्म को. एथनोसेंट्रिज्म जो आइडिया है ये जस्ट अपोजिट है कल्चरल रिलेटिविज्म का. दिस आइडिया इज अपोजिट and it says that one's culture is superior to than the other culture. Means उसका खुद का कल्चर सुपीरियर है या बेटर है अदर कल्चर से. एथनोसेंट्रिक पीपल ऐसा मानते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेवर शुड बी एथनोसेंट्रिक. किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कभी एथनोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अदर कल्चर्स को स्टडी करता है. अगर वो इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ किसी कल्चर को स्टडी करेगा तो वो बायस्ड हो जाएगा और वो रियल कल्चर ट्रेड्स को नहीं स्टडी करेगा. तो इस तरह किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एथनोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए. उन्हें कल्चरल रिलेटिविज्म के या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए कि नो कल्चर इज सुपीरियर इंफीरियर. एवरी कल्चर इज ओन स्पेसिफिक ट्रेड्स और यूनिक ट्रेड्स एंड ईच कल्चर इज ओन यूनिक हिस्ट्री. तो व्हेन समवन अ पीपल आर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अदर कल्चर नॉट ऑन देयर ओन कल्चर दैट इज एथनोसेंट्रिज्म. एंड कल्चरल रिलेटिविज्म इज टू जज द पीपल और द कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कल्चरल ट्रेड्स. तो दीज आर द टू अपोजिट थॉट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कभी भी एथनोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए. जब भी किसी कल्चर को हम स्टडी करते हैं तो हमें अपने कल्चर की सारी सुपीरियरिटीज को भूल कर हमें उस कल्चर की यूनिक ट्रेड्स को स्टडी करना चाहिए, ना कि अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे कल्चर को जज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइबल कल्चर मीन्स ट्राइबल पीपल्स दिखाई देंगे, जैसे कि मुर्सी वुमेन ऑफ इथियोपिया. इनके कल्चर में ये एक ट्रेट है कि वो क्ले प्लेट्स पहनती है वीमेन, और इस तरह का जो है ये गाय या बैल के सींग को इस तरह पहनते हैं. मेन वॉरियर्स होते हैं ज़्यादातर, ये राइफल या पिस्टल्स लिए रहते हैं. और मुर्सी वुमेन जो है जिंदगी भर फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर मैरिज यंग एज से लेकर और टिल देयर डेथ वो इस तरह का प्लेट्स पहनती हैं, जिसमें कि उनकी लोअर लिप को काट कर इस तरह का एक क्ले प्लेट पहना जाता है यंग गर्ल्स को, और फिर उसके बाद वो मैरिज के बाद यही पहने रहती हैं हमेशा. तो इस तरह ये उनके कल्चर का यूनिक ट्रेट है. मेन वॉरियर्स होते हैं. और इस तरह हम तमाम कल्चर्स में अलग अलग ट्रेड्स देख सकते हैं. जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में अगर हम मानते हैं कि सैवेज से बारबर एंड देन सिविलाइज्ड सोसाइटीज हो गई हैं, तो स्टिल ट्राइबल कल्चर्स फॉलो बो एंड आर्म हंटिंग, वो अभी भी फॉलो करते हैं. और कुछ जो है वो मैरिज के समय जैसे कि विमेन जो है अभी भी एरो लेकर कुछ रिचुअल्स करती है. जैसे इंडियन कवार ट्राइबल वुमेन है वो एरो लिए रहती है हमेशा. मीन्स फ्रॉम द टाइम फर्स्ट डे ऑफ मैरिज टू जो उसका विदाई का दिन होता है उस समय तक वो एरो लेकर ही रहती है, वहीं उसी के साथ सोती है. मीन्स एरो को हमेशा अपने साथ रखती है. तो ये एक ट्रेट है, कल्चरल ट्रेट है जो कवार ट्राइबल वुमेन में पाया जाता है. इसी तरह बो एंड एरो अभी भी विरहो ट्राइबल्स यूज करते हैं बर्ड हंटिंग में, क्योंकि बड़े एनिमल्स की हंटिंग में तो बैन है, तो छोटे बर्ड्स या दूसरे जानवरों की हंटिंग में ये अभी भी बो एंड एरो का हंटिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर हम कल्चरल स्टेजेस और डेवलपमेंट की बात करें तो बो एंड एरो हंटिंग बहुत पुराने थी, जिसमें कि बाद में वेपन्स का डेवलपमेंट हो जाता है सिविलाइजेशन में. तो नियोलिथिक के पहले जो मीसोलिथिक स्टेज थी और उसके भी पहले
मिडिल पैलोथिक अपर पैलोथिक स्टेज तक वो एन एरो हंटिंग हमको दिखाई देती है, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होता है। और फिर तो लेकिन अभी भी ये ट्रेड्स मिलते हैं कल्चरल सर्वाइवर्स के रूप में, अभी भी हमको ये ट्रेड्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सोसाइटी सिविलाइज नहीं है, दे आर ऑल्सो सिविलाइज, दे हैव देयर यूनिक हिस्ट्री, दे हैव यूनिक कल्चरल ट्रेड्स। तो इस तरह जो हमारे बस्तर में बाइसन हॉर्न मारिया एक ट्राइब होता है जो कि बाइसन के हॉर्न को अपने ऊपर सींग के रूप में लेते हैं, और जो जो भी उनके कल्चरल जैसे कि फेस्टिवल्स हैं या कुछ रिचुअल्स करते हैं तो इस तरह का वो ऊपर पहन लेते हैं, तो ये इनकी पहचान है ना? तो इस तरह डिफरेंट कल्चरल जो बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों के अपने अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं और वो उनकी पहचान होती है। मीन्स हम अभी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं, विश्व में बहुत तेजी से मीन्स कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विश्व में लोग नहीं जानते, फिर भी अभी भी हमें ऐसी ट्राइबल सोसाइटीज मिलती हैं जो अपने यूनिक कल्चरल ट्रेड्स की वजह से एकदम डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेड्स उनकी वजह होते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम अलग दिखाई देते हैं। तो हमें उनके कल्चर के हिसाब से उन्हें देखना चाहिए, ना कि अपने कल्चर के हिसाब से उन्हें कंपेयर करना चाहिए कि दे आर नॉट सिविलाइज, दे आर सिविलाइज्ड, वो भी हमारी तरह ही सिविलाइज्ड हैं और ये उनके कल्चर के कुछ यूनिक ट्रेड्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके कल्चर को उन्हीं के हिसाब से जज करना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म का और हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का। दैट वॉज गिवन बाय फ्रेंच बुआस। नेक्स्ट इज क्लार्क विस्लर। The books written by him, The American Indian, Introduction to Anthropology of the New World, The American Indian, Man and Culture, Relation of Culture to Man in Aboriginal Africa, America, An Introduction to Social Anthropology. He was a friend of French Boas and co-founded Culture Area School in 1917. Culture Area. He opined that culture of two groups were not identical. Customs of two cultures show great similarities when they live in close proximity to each other. than to those customs which live far apart. तो कल्चर एरिया अप्रोच जो कहता है, तो कल्चर एरिया जो अप्रोच है, that was given by Clark Whistler, and उन्होंने कहा कि दो कल्चर के लोग अगर सिमिलैरिटी शो करते हैं, अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, और जो कल्चर दूर रहते हैं एक दूसरे से, उनमें हमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे, क्योंकि बोरोइंग ऑफ कल्चरल ट्रेड्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फार कल्चरल्स में। Cultures में the term culture area was coined and first used by O.L. Steenmeyer in an article Influence of Environment on Human Industries or Arts in 1895. He identified 18 cultural areas on the basis of American Indian environments which he modified in 1899. तो O.L. Steenmeyer ने सबसे पहले ये area term coin किया था, culture area term को उन्होंने coin किया था अपने एक article में, और उन्होंने 18 कल्चरल एरियाज में अमेरिकन इंडियन एनवायरमेंट्स को बांटा था। मीन्स अमेरिकन इंडियन एनवायरमेंट्स में उन्होंने 18 कल्चरल एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, और बाद में उन्होंने उसको मीन्स मॉडिफाई किया 1899 में। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ मॉडिफाइड कल्चरल एरियाज इन 1899। द कल्चर एरिया गिवन बाय हिम आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अमेरिकन इंडियन कल्चर By Clark Whistler in 1917 and Grover in 1939. तो जो O.L. Steenmeyer के कल्चरल एरियाज इसको भी मॉडिफाई किया 1899, उसी को विस्लर ने 1917 में और क्रोबर ने 1939 में सिस्टमैटिक स्टडी की अमेरिकन इंडियन कल्चर की। एंड इस बुक अमेरिकन इंडियन ही से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ नेटिव ऑफ न्यू वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल ट्रेड्स विल गिव अस कल्चरल एरियाज। तो जो नेटिव्स हैं न्यू वर्ल्ड्स के, उनके सोशल ग्रुप्स को जब क्लासिफाई करते हैं उनके कल्चरल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, तो हमें कल्चर एरियाज मिल जाते हैं। दिस विल गिव अस फूड एरियाज, सिरेमिक एरियाज, टेक्सटाइल एरियाज एक्सेट्रा। तो डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स के आधार पर हमें बहुत सारे कल्चरल एरियाज मिल सकते हैं, ऐसा मानना था क्लार्क विस्लर का। एंड हिज मैप लिस्टेड 10 कल्चरल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को के में 10 कल्चरल एरियाज में डिवाइड किया सब्सिस्टेंस के आधार पर। तो सब्सिस्टेंस के आधार पर कैरिबॉन, बाइसन, ये उनके फूड आइटम्स हैं, उनके आधार पर इन्होंने 10 कल्चरल एरियाज में डिवाइड किया, 4 साउथ अमेरिका के लिए, 1 फॉर कैरेबियन, एंड लेटर ही रिड्यूस्ड टू 8 फूड एरियाज। तो पहले उन्होंने अलग अलग 10 कल्चरल एरियाज किया, फिर बाद में उन्होंने 8 फूड एरियाज जो सब्सिस्टेंस के आधार पर डिवाइड कर दिया, ये 8 फूड एरियाज हैं।
ही ऑल्सो डिवाइडेड मीन्स उन्होंने क्लासीफाई किया डिफ्यूजन को नेचुरल और ऑर्गेनाइज डिफ्यूजन में. अकॉर्डिंग टू हिम इंट्रा एंड इंटरकल्चरल डिफ्यूजन बाय ट्रायल एंड मेथड इंडिजिनस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल डिफ्यूजन. जो भी नेचर के द्वारा होता है जिसमें कि किसी भी बाहर के कोई किसी भी एजेंट मीन्स फॉरेन एजेंट का रोल नहीं होता या ऑर्गेनाइज नहीं होता उसको हम नेचुरल डिफ्यूजन कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है. और एक इंडिजिनस प्रोसेस है उसी को हम नेचुरल डिफ्यूजन कहते हैं. और जो ऑर्गेनाइज डिफ्यूजन होता है वो मिशनरीज इन्वेडर्स कॉन्टैक्ट्स विद स्ट्रेंजर्स के द्वारा होता है. और ये नेचुरल जो होता है क्योंकि वो धीरे धीरे होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, जबकि ऑर्गेनाइज फास्ट एंड क्विक होता है. He viewed that there is a culture center in each culture area from where the traits are diffused. तो उन्होंने कहा कि हर कल्चर एरिया में एक कल्चर सेंटर होता है जहाँ से ट्रेड्स डिफ्यूज होते हैं. लॉ ऑफ डिफ्यूजन दिया उन्होंने और एज एरिया प्रिंसिपल. तो विस्लर ने ही गेव द लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज एरिया प्रिंसिपल. हिज लॉ ऑफ डिफ्यूजन सेज दैट ट्रेड्स आर डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सेंटर्स ऑफ ओरिजिन. तो कल्चर सेंटर्स जो होते हैं वो किसी भी कल्चर एरिया के सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं और वहाँ से कल्चर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्यूज होता है, दूसरे कल्चर्स में स्प्रेड होता है. तो ही सेड दैट एज एरिया इज अ मेथड टू नो द रिलेटिव एज ऑफ ट्रेड्स. इट मीन्स दैट मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड्स फ्रॉम एंड अराउंड द कल्चर सेंटर टूवर्ड्स आउटवर्ड वुड बी द ओल्डेस्ट वन. तो उन्होंने कहा कि जितना ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो ओल्डेस्ट ट्रेड होगा. जैसे कि इसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नियर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स ज़्यादा दूर तक नहीं फैले हुए हैं वो न्यू ट्रेड्स हैं, और जितना ही दूर पे और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मतलब कि ओल्डेस्ट ट्रेड्स हैं. तो इस तरह उन्होंने कल्चर सेंटर एंड वहां से ऑल अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन और एज एरिया प्रिंसिपल की बात की कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है कल्चर सेंटर से, मींस ट्रेड्स डिफ्यूज होते हैं ऑल डायरेक्शंस में, और जो ओल्डेस्ट वन होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है तो उसको हम ओल्डेस्ट मान लेते हैं. जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उनको हम न्यू ट्रेड्स मानते हैं. अल्फ्रेड लेविस ग्रोबर, बुक्स आर एंथ्रोपोलॉजी कल्चर नेचुरल एरियाज ऑफ नेटिव नॉर्थ अमेरिका कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चर ग्रोथ नेचर ऑफ कल्चर स्टाइल इन सिविलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक्स एट हिस्ट्री. ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ बोआस. ही रोट मोर देन 500 आर्टिकल्स एंड डजन ऑफ बुक्स. In his paper, Classificatory System of Relationship, he attacks on the Morgan's evolutionary idea of kinship terminology, and he said that kinship terminologies of all culture, whether primitive or civilized, consisted of a mixture of classificatory and descriptive terminologies. तो उन्होंने कहा कि सभी cultures में दोनों ही terminology पाई जाती हैं, सिर्फ classificatory या सिर्फ descriptive नहीं, दोनों का मिक्सचर जो है वो टर्मिनोलॉजी मतलब किनशिप टर्मिनोलॉजी सारे कल्चर्स में पाया जाता है. एंड उन्होंने अपने डॉक्टोरल थीसिस जिसमें जो कि डेकोरेटिव सिंबल्स ऑफ अपैरो 1901 में उन्होंने डॉक्टोरल किया, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि बोथ डेकोरेटिव एंड सिम्बॉलिक आर्ट फॉर्म आकर साइमल्टेनियसली, मीन्स वो एक दूसरे से इवॉल्व नहीं हुए हैं. सिम्बॉलिक आर्ट नॉट इवॉल्व फ्रॉम द ज्योमेट्रिक आर्ट, मीन्स सिम्बॉलिक से ज्योमेट्रिक आर्ट का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि दोनों अलग अलग अपने अलग अलग टाइम पर इन्होंने इनका डेवलपमेंट हुआ है ऐसा मानना था उनका. एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर क्लाइमेक्स एंड कल्चर इंटेंसिटी. सेड दैट टू अंडरस्टैंड द कल्चर नॉट ओनली बेसिक और कॉन्क्रीट कल्चरल ट्रेड्स बट सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ कल्चर ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टैंड. तो उन्होंने सेंसिटिव इंडिकेटर्स बताए, कल्चर के कुछ सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं और उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आर्ट है, म्यूजिक है, रिलीजन है, इथॉस, फिलॉसफी, ये सभी सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं. किसी भी कल्चर को जानने के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है, और यही सेंसिटिव एलिमेंट्स जो हैं आर मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर एंड इट्स इंटेंसिटी. तो ये कल्चर उसकी इंटेंसिटी के इंडिकेटर्स होते हैं. इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज द लेवल विच कल्चर एंड एरिया अचीव्ड. तो जो कल्चर और कल्चर एरिया अचीव करते हैं उसको इंटेंसिटी कहा जाता है. मोर इंटेंसिव कल्चर मीन्स मोर मटेरियल, ओनली मोर मटेरियल बट ऑल्सो द मोर प्रिसाइसली एस्टैब्लिश इंटरलेशन बिटवीन द मटेरियल. तो ज़्यादा इंटेंसिव कल्चर का मतलब होता है कि ज़्यादा कल्चरल आइटम्स का मिलना और उनके बीच में रिलेशनशिप होना, मतलब सिर्फ कल्चरल आइटम्स ज़्यादा ना मिले, मोर देन वन मटेरियल मिलना ही नहीं होता, बल्कि उनके बीच में आपस में एस्टैब्लिश्ड होते हैं रिलेशंस
वो जैसे कि रिलीजियस हायरार्की है, प्रॉपर्टी लॉ एक्सेट्रा, तो इसका एग्जांपल उन्होंने दिया। तो इसको उन्होंने कल्चरल इंटेंसिटी बोला। एंड कल्चर क्लाइमेक्स क्या होता है? कल्चर क्लाइमेक्स इक्वल टू कल्चर सेंटर, मीन्स जहाँ से ट्रेड्स डिफ्यूज होते हैं अदर पार्ट्स में। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर एरिया जहाँ से पीपल हैव लार्ज कॉन्टैक्ट्स ऑफ कल्चर, और द पार्ट फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द मटेरियल स्प्रेड इन द एरिया, उन्हीं को कल्चर क्लाइमेक्स कहा गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू कल्चर सेंटर। कल्चर कॉन्फिगुरेशन, इन हिज बुक कॉन्फिगुरेशंस ऑफ कल्चर ग्रोथ 1944 ही डील विद द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम एंड चाइना। ही फाउंड दैट ऑल दीज सिविलाइजेशंस सो पीक इन द आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस एटसेट्रा, जो कि कल्चर के इंडिकेटर्स होते हैं, सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। इन्हीं में इन सभी सिविलाइजेशंस में इनमें पीक पाया गया, मीन सभी जो सिविलाइजेशन उनमें आर्ट, साइंस, म्यूजिक, लिटरेचर में पीक मिला, एंड बट लेटर ऑन वो सभी डिक्लाइन होते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि सभ्यताओं में आपको आर्ट या उनके लिटरेचर में आपको बहुत ऊंचाई दिखाई देती है, फिर बाद में वो सभी चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और हिज फाइंडिंग शो दैट ग्रोथ पीक ऑफ ए सिविलाइजेशन टेंड्स टू कॉइंसाइड विद द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल कॉन्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, स्टाइल्स एंड स्टैंडर्ड। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ग्रोथ पीक ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो कॉइंसाइड करता है कल्चर कॉन्टेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, स्टाइल का ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड एटसेट्रा। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, तो लाइक बोआस ही आल्सो गिव द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। ही फॉलो दिस थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड ही सेड दैट एम ऑफ हिस्ट्री इज टू नो द रिलेशन ऑफ सोशल फैक्ट टू द होल सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री स्टडीज वर्क्स ऑफ मैन। सिविलाइजेशन इज एन एंटायटी इन इटसेल्फ एंड हिस्ट्री कंसर्न विद द सिविलाइजेशन। हेरिडिटी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का बहुत रोल होता है, जिसमें कि हेरिडिटी कोई भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं मानी जाती। सिविलाइजेशन खुद में अपनी एक अपने में एक सभ्यता है, मीन्स अपने में खुद एक एंटायटी है सेल्फ। एंड हिस्ट्री जो होती है वो कंसर्न होती है सिविलाइजेशन के, हर कल्चर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री होती है। सेवेज जो है वो ट्रेडिशनल फेज नहीं होते बिटवीन द एनिमल एंड साइंटिफिक फेज। उनका मानना था कि सेवेज वेयर नॉट द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन एनिमल एंड साइंटिफिक मैन। साइंटिफिक मैन और एनिमल मीन जो अर्ली मैन जो सेवेज माने जाते हैं उनका एनिमल और जो लेटर होमो सेपियंस जो साइंटिफिक मैन माना था उसके बीच में वो ट्रांजिशनल फेज का काम नहीं करते हैं सेवेज। एंड ऑल मैन आर टोटली सिविलाइज। ही फाउंड दैट ऑल मैन आर टोटली सिविलाइज, नो लोअर नो हायर इन द सिविलाइजेशन, एंड देर आर नो लॉज इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री डील्स विद द कंडीशंस नॉट विद द कॉसेस। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। एंड ही डिफाइंड कल्चर एज सुपर ऑर्गेनिक एंड सुपर इंडिविजुअल। द टर्म सुपर ऑर्गेनिक्स वर गिवन बाय स्पेंसर, ही वाज डिफाइंड बाय टायलर एंड अप्लाइड बाय समनर एंड कैन बी सीन इन द writings of Comte and Durkheim. Kruber called culture superorganic and superindividual. This means that culture is not the creation of any specific individual, rather it is the integrity of whole group habits and behavior. उन्होंने माना कि कल्चर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, एक इंडिविजुअल के द्वारा कल्चर नहीं डेवलप होता है, जबकि पूरे ग्रुप की जो हैबिट्स एंड बिहेवियर जो है एक पर्टिकुलर कल्चर को डेवलप करती हैं। तो इट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की जो एक होकर जो कोई एक ट्रेड्स डेवलप होते हैं और पूरे ग्रुप से जुड़े होते हैं उसी को हम कल्चर कहते हैं। ग्रुप का बिहेवियर, ग्रुप की हैबिट्स वो मिलाकर एक कल्चर बनाते हैं। बिकॉज विद द डेथ ऑफ पर्सन हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन एंड बट विद द ग्रुप हैबिट वाइल द ग्रुप हैबिट्स रिमेन फॉर जनरेशन टू जनरेशन। तो एक व्यक्ति के मर जाने से उसकी खुद की हैबिट के बिहेवियर खत्म हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन जो ग्रुप की हैबिट्स हैं वो फिर भी रह जाती हैं, क्योंकि ग्रुप की हैबिट्स उसमें रहने वाले प्रत्येक इंडिविजुअल से जुड़ी होती हैं और वो इंटीग्रेट करकर एक पर्टिकुलर कल्चर को डेवलप करते हैं। एक ग्रुप का जो कल्चर बनता है हैबिट्स और उनके बिहेवियर से। देयरफॉर कल्चर इज सुपर इंडिविजुअल, इट्स मोर देन इंडिविजुअल, बिकॉज कल्चर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, इट इज मोर देन इंडिविजुअल, इट इज द creation of the whole group, their habits and behaviors. That is why culture is super individual, as the creation and continuity of culture is not based on any single individual. And he also called culture as super organic,
कल्चर इज इंटेलिजिबल, मीन्स एक्सप्लेन किया जा सकता है कल्चर को. क्वालिटीज ऑफ कल्चर लाइक ट्रांसफरेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, कलेक्टिविटी, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, नॉट ऑफ द ऑर्गेनिक इंडिविजुअल मैन. तो ये मैन के द्वारा ही नहीं, ये सोशल बिहेवियर के द्वारा ये सारे जो है कल्चर में ये सारे ट्रेड्स आते हैं, क्वालिटीज आती हैं, और इसलिए इसको सुपर ऑर्गेनिक कहा, मीन्स मोर देन ऑर्गेनिक इंडिविजुअल मैन. कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल एंड सिविलाइजेशन. ईच सिविलाइजेशन इज कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल पैटर्न्स कुछ बेसिस एडेड स्टाइल एंड सुपर स्टाइल. तो हर सिविलाइजेशन के अपने कुछ मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर स्टाइल का डेवलपमेंट होता है. उन्होंने कहा कि ये स्टाइल ऑर्गेनिक ग्रोथ्स की तरह होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस बट बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स उन्हें आप समझ नहीं सकते हैं. ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरह लगातार बढ़ते जाते हैं और जो वापस नहीं हो सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप होती है हर सिविलाइजेशन की विद द टाइम. थैंक यू वेरी मच. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.